नागौर की पावन दरा का श्री बालाजी पुलिस थाना बना मिसाल। श्री बालाजी पुलिस थाना टीम ने थाने के रसोइये की बेटी एवं बेटे की शादी में भरा मायरा। सामाजिक सरोकार का फर्ज निभाते हुए थाने के SHO के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने कुल 5,21,000 रुपये का मायरा भरकर पेश की मिसाल। जानकारी के अनुसार श्री बालाजी थाने में रसोइये का काम करने वाले मदन प्रजापत के बेटे एवं बेटे की शादी में पुलिस थाना स्टाफ को किया गया था आमंत्रित। थाना स्टाफ ने सहयोग करने की ठानते हुए 5,21,000 रुपये का भरा मायरा। जिले सहित प्रदेश भर से इस सामाजिक सरोकार की हो रही है प्रशंसा। SHO शिव सिंह सहित पूरी थाने की टीम को मिल रही है बधाइयां। पशुपालन विभाग सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने कल जायल के पशु चिकित्सालय का किया निरीक्षण। उपखंड मुख्यालय जायल स्थित प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय का निरीक्षण कर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना, नकुल कार्ड योजना, दैनिक आउटडोर सीमन उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, प्रशासन गांवों के संग अभियान की प्रगति रिपोर्ट लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सचिव ने निःशुल्क राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना से 100% पशुपालकों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों से मांगे रिकॉर्ड। इस दौरान गोपालन विभाग के डॉक्टर देवेंद्र जुनेजा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम केला सहित अन्य विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट में आज होगा बड़ा फेरबदल। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री लेंगे शपथ। शाम 4 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। इससे पहले सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए गए हैं इस्तीफे, जिनमें से डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी एवं गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे को कर लिया गया है मंजूर। नए मंत्रिमंडल में पायलट के खेमे से भी बने हैं 4 मंत्री। वहीं 3 राज्य मंत्रियों को भी प्रमोट कर बनाया गया है कैबिनेट मंत्री। हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद मेघवाल तथा शकुंतला रावत को बनाया गया है कैबिनेट मंत्री। वहीं जाहिदा, ब्रजेंद्र सिंह ओला, राजेंद्र गुड्डा और मुरारीलाल मीणा को बनाया गया राज्य मंत्री। आज दोपहर 2 बजे सभी मंत्रियों को बुलाया गया है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जहां से बैठक के बाद जाएंगे राजभवन। मंत्रियों के विभागों में भी हो सकता है फेरबदल। कुछ मंत्रियों को छोड़कर ज़्यादातर के विभाग बदले जाएंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे नागौर के हाथ इस बार भी नहीं लगा मंत्री पद। बोर्ड अध्यक्ष अथवा संसदीय सचिव की मिल सकती है जिम्मेदारी। नागौर जिले से युवा चेहरे मुकेश बाकर एवं रामनिवास गावड़िया सहित महिला एवं SC वर्ग से जायल विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल को लेकर लगाए जा रहे थे कयास। नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने की प्रेस वार्ता। जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत तथा प्रभारी गजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता में कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से किसानों की हुई है जीत। देश भर के किसान लंबे समय से कर रहे थे आंदोलन, आखिर झुकना पड़ा केंद्र सरकार को। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार जिद्दी नहीं ठानती तो किसानों को नहीं देना पड़ता बलिदान। इस मौके पर पूर्व मंत्री हबीबुर रहमान, ब्लॉक अध्यक्ष दिलफराज खान, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हनुमान बांगड़ा सहित अन्य पदाधिकारी भी रहे मौजूद। नागौर जिले में फिर बढ़ने लगा है कोरोना का आंकड़ा। जिले में कल फिर मिला है एक नया कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक कुल 5 मरीज मिल चुके हैं बीते एक सप्ताह में। चिकित्सा विभाग द्वारा कोरोना के नए मरीज सामने आने के साथ सैंपल लेने की भी बढ़ा दी गई है संख्या। CMHO डॉक्टर मेहरा मैया ने बताया कि शनिवार को जिले में आए एक मरीज के साथ कुल आंकड़ा पहुंच चुका है 17,742, जिसमें से 17,560 मरीज हो चुके हैं ठीक तथा 177 की हो चुकी है मौत। वहीं वर्तमान में जिले में 5 केस हैं एक्टिव तथा कल लिए गए 763 नए सैंपल।
जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कल चिकित्सा संस्थानों का किया औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब का अवलोकन कर मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से भी की बातचीत। इसके अलावा कलेक्टर ने राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुड़सू, तोसिना तथा तरनाव का भी किया निरीक्षण। यहां आयोजित टीकाकरण सत्र का भी लिया जायजा। जिला कलेक्टर ने टीकाकरण के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में भी चिकित्सा कर्मियों को किया निर्देशित। जिला मुख्यालय स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय अस्पताल का निरीक्षण करते हुए आरटीपीसीआर लैब का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों से बातचीत करते हुए प्रभारी चिकित्सक से उनके स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित मरीजों का पंजीयन करवाकर कैशलेस इलाज की योजना का लाभ दिलाने के लिए किया निर्देशित। साथ ही पीएमओ को ऑक्सीजन प्लांट को रोटेशन से संचालित करते रहने के दिए निर्देश। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मेहरा मैया, पीएमओ डॉक्टर सुनीता सिंह सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी रहे मौजूद। जिला मुख्यालय नागौर स्थित बड़े पीर साहब की दरगाह में अकीदत और एहतराम के साथ सालाना उर्स के मौके पर शनिवार को मनाया गया बड़ा उर्स। दरगाह के सजदा नसीन सैयद सदाकत अली जिलानी ने बताया कि असर की नमाज के बाद दरगाह में विशेष लंगर का रखा गया आयोजन तथा मजार शरीफ पर पेश की गई चादर। उर्स के अवसर पर ईशा की नमाज के बाद खलीफा सुल्तान उल हिंद पार्टी ने नातिया और मनकपति मुशायरा किया पेश। इसके बाद कवाली का भी हुआ आयोजन। आज दोपहर कुल की रस्म की जाएगी अदा। कल जिले भर में हुआ कोरोना टीकाकरण का महाअभियान। जिले भर में 60,000 से अधिक लोगों ने लगवाया राहत का टीका। मिशन अगेंस्ट कोरोना के तहत टीम हेल्थ ने जिले को कोरोना से मुक्त बनाने में सफलता हासिल करने के बाद तीसरी लहर से संक्रमण को रोकने के लिए जिले भर में कल युद्ध स्तर पर संचालित हुआ वैक्सीनेशन महाअभियान। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशानुसार जिले में आयोजित महाअभियान के तहत कल जिले के विभिन्न ब्लॉक में 300 से अधिक टीकाकरण सत्र किए गए आयोजित, जिनका विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया निरीक्षण। मेड़ता सिटी उपखंड के ग्राम जारोड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आवाज दो कार्यक्रम के तहत थाना अधिकारी चित्र सिंह की अगुवाई में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में विद्यालय की छात्राओं को महिला उत्पीड़न एवं महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा ऑनलाइन ऐप स्पीक अप के बारे में दी गई जानकारी, साथ ही छात्राओं को विद्यालय में लगने वाली शिकायत पेटिका के इस्तेमाल के लिए भी किया गया प्रेरित। इस मौके पर थाना अधिकारी ने बालिकाओं को पुलिस के प्रति सहज रहकर अपनी शिकायत ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए या शिकायत पेटिका के जरिए करने के लिए किया प्रेरित। जिले भर में भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देशन से सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूचियों को अपडेट करने हेतु दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने का विशेष कार्यक्रम लगातार है जारी। कार्यक्रम के दौरान IEC गतिविधियों के तहत जागरूकता हेतु राजस्थान रन टू रजिस्टर गतिविधि के तहत उपखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर कल विद्यार्थियों की छोटी मैराथन VLC के माध्यम से 18 साल की उम्र पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। थावला कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कल क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के 2 छात्र व 2 छात्राओं ने भाग लेकर विभिन्न विषयों पर किए सवाल जवाब। प्रतियोगिता में दीर्घ चक्र, श्रवण दृश्य चक्र, त्वरित चक्र, अलग अलग अंदाज में प्रतिभागियों से पूछे गए प्रश्न, प्रतियोगिता के अंत में विजेताओं को किया गया घोषित। प्रिंसिपल हरिकृष्ण सहार ने बताया कि आगामी जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को लेकर रखा गया था आयोजन। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी फिर पनपने लगा है कोरोना। रियाबड़ी उपखंड के डोडियाना एवं रोहिसा में मिले एक एक कोरोना
पॉजिटिव मरीज। BCMO डॉक्टर SS दिवाकर ने बताया कि सभी कोरोना पॉजिटिव मिले मरीजों को किया गया है होम क्वारंटाइन। कुचेरा में चल रही 65वीं 14 वर्षीय हॉकी टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आज होगा समापन। समापन समारोह में नागौर विधायक मोहनराम चौधरी, समाजसेवी डॉक्टर हापूराम चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि रामनिवास जेठू, पंचायत समिति सदस्य रामकिशोर, PEEO अलका पटेल सहित अन्य विशिष्ट अतिथि करेंगे शिरकत। छात्र वर्ग के फाइनल में स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान मारवाड़ मुंडवा और कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल जैल के बीच खेला जाएगा मुकाबला। वहीं छात्रा वर्ग में कल फाइनल मैच राजकीय विद्यालय पोटलिया मांजरा और श्री हनुमान शिक्षण संस्थान निमड़ी चांदावत के बीच खेला गया, जिसमें से राजकीय विद्यालय पोटलिया ने 2-1 से खिताब किया अपने नाम। छोटी खाटू कस्बे में कल आचार्य महाश्रमण की शिष्य साध्वी प्रभा ने चतुर्मास संपन्न कर जैन सभा भवन से किया प्रातः विहार। बीते 5 माह से छोटी खाटू विहार में 13 पंत, युवक परिषद, महिला मंडल, कन्या मंडल तथा अन्य श्राविकों की उपस्थिति में साध्वी ने मंगल पाठ करते हुए भगवान महावीर की राह पर चलने का दिया संदेश। 2 माह पूर्व मेड़ता रोड के SBI ATM में अज्ञात चोर ने CCTV को नुकसान पहुंचाकर लूट करने का किया था प्रयास। उस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को कल किया गिरफ्तार। 9 सितंबर को बैंक मैनेजर रामप्रकाश सांगवा ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पुलिस ने राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा चोरी का प्रयास करने के जुर्म में सत्यम पावर प्लांट के पास जारोड़ा निवासी सुनील बिश्नोई को किया है गिरफ्तार। यह है News 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज पोर्टल।